नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हैंगिंग पॉट से घर को कैसे सजाएं। और हैंगिंग पॉट बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप मेरे घर में, देखिए ये मैंने पानी के बोतल में लगा रखा है, देख रहे हैं। ये पानी का बोतल है, इसको कट करके मैंने इसमें ये टर्टल वाइन लगाया है। मेरे पास दो तरह की टर्टल वाइन है, एक ये है और एक ये है। ये थोड़ा हार्ड है, ये टर्टल वाइन जो है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हार्ड है, और ये जो टर्टल वाइन है ये सॉफ्ट है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट है ये तो। ये लेकिन ये घना थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा घना होता है ये, और ये थोड़ा कम घना होता है। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी खूबसूरती है फ्रेंड्स, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी बहुत आसानी से हैंगिंग पॉट बना सकते हैं, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितना आसान है हैंगिंग पॉट बनाना फ्रेंड्स। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने ऊन ले लिया है और मेरी बेटी ही बना रही है, तो देखिए कितना आसान है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे बनाना, बहुत ही आसान है। तो ऊन से मैं इस तरह से हैंगिंग के लिए बना दूंगी, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक अपने घर में पड़ी हुई, एक मेरे घर में डब्बा पड़ा था, तो उसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दिया है हार्ड वाला, और ये देखिए इस तरह से मैंने उस पर रख दिया, और ये देखिए तैयार हो गया। बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने डब्बा में टर्टल वाइन लगा के और इस तरह से हैंगिंग बना दिया। और ये थोड़े कुछ और पौधे हैं, तो उन सभी को मैं इसी तरह से ऊन से बना लूँगी, हैंग कर लूँगी सबको ऊन के धागे से ही बना बना के। ये देखिए वॉन्डरिंग जियो, देखिए वॉन्डरिंग जियो को भी मैंने एक बास्केट में लगा रखा है। मेरे पास पड़ी हुई थी एक टोकरी, छोटी सी बांस की टोकरी है फ्रेंड्स, तो मैंने उसी में वॉन्डरिंग जियो को लगा दिया है। तो वॉन्डरिंग जियो भी बहुत ही अच्छा हैंगिंग पॉट के लिए पौधा है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, ऊपर से ग्रीन है और नीचे से उसकी पत्तियाँ पिंक पिंक हैं। और ये देखिए, ये तो डब्बा में मैंने लगा ही रखा है, डब्बा में पिछले वीडियो में मैंने डब्बे में लगाया था, तो आज ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इन्हीं सब कुछ कुछ पौधों से आप आराम से हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। देखिए ये हार्ड वाला है टर्टल वाइन, और ये देखिए ये सॉफ्ट वाला जो मैंने बोतल में लगा रखा है। यही कुछ पौधे हैं मेरे पास, ये वॉन्डरिंग जियो, बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। इसकी भी छोटी सी आप डंडी कहीं से भी ला के लगा सकते हैं, टर्टल वाइन की डंडी आप लगा सकते हैं, वॉन्डरिंग जियो की डंडी लगा सकते हैं। इन सभी पौधों के हर नोट पे जड़ होता है फ्रेंड्स, तो कहीं से भी आपको ये मिल जाए तो बस छोटा सा लाइए और लगा दीजिए अपने घर में, किसी भी पॉट में, छोटे से पॉट में, और अगर आप खरीद के ला सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। हालांकि ये मेरा पहले से ये पौधा आपके सामने पिछले वीडियो में मैंने इस पॉट में ये मनी प्लांट लगाया था, और आप देखिए कितना बड़ा ये मनी प्लांट हो गया है, जबकि और मैंने इसकी कटिंग भी की है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब सबसे अच्छा सदाबहार मनी प्लांट है,
तो मनी प्लांट से आप आसानी से हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही टर्टल वाइन के बारे में। और ये देखिए बॉन्डिंग जियो, तो बॉन्डिंग जियो को देखिए मैंने कुछ समय पहले बास्केट में लगाया था, तो वो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप कहीं भी घर के किसी भी कोने में इस तरह से आप हैंग करके घर को सजा सकते हैं। चाहे तो इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, मैंने सीढ़ी के पास रखा है, तो काफ़ी सुंदर लगता है, सभी जगह हरा भरा लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए हैंगिंग पॉट। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।